Hello, my cute little angels. How are you? I hope you guys are happy and healthy at home. As I'm back with the continuation of a chapter number 6, food and health, class 5. In my previous video, I have explained you ki health kya hoti hai, food ke components kya hote, balanced diet bhi padha tha, aur kya kya padha tha humne? Types of disease, communicable and non-communicable. आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसा कि मैंने समझाया था कि इस कम्युनिकेबल डिजीज जर्म्स की वजह से स्प्रेड होती है. वो कौन से वाले जर्म्स जो आपको नॉर्मलाइज से नहीं दिखते लेकिन आपके बॉडी पे, आपकी स्किन पे और आपके एनवायरमेंट में वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, तो अब जर्म्स कैसे एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज, उसके बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में. एंड सो फॉर यू एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट टू लर्न साइंस विद मी. एंड आई एम फरहत मैम, योर साइंस टीचर ऑन दिस चैनल. सो लेट्स स्टार्ट. स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज दे हैव फोर वेज. ठीक है, चार तरीकों से स्प्रेड हो सकता है. पहला है आपका थ्रू एयर. अच्छा, एयर के थ्रू कैसे स्प्रेड हो सकता है? जैसे कि हम लोग कोई आपका फ्रेंड है या कोई आप जिसको कफ हो गया है, कोल्ड हो गया, उसने स्नीजिंग करी, उसने कफ किया लेकिन प्रोटेक्ट अपने माउथ को कवर ही नहीं किया, तो उससे क्या होगा, उसके माउथ के जो जर्म्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं, वो सारे एनवायरमेंट में, एयर में आ जाएंगे और एयर में आएगी तो वो दूसरे पर्सन तक अटैक कर देंगे आराम से. तो ऐसे ही एयर से थ्रू ये स्प्रेड होता है, जर्म रिलीज इन एयर बाय स्नीजिंग एंड कफिंग. और कौन से वाला डिजीज, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कफ, ये सारा. ठीक है, नेक्स्ट है आपके थ्रू फूड एंड वाटर. अच्छा, फूड एंड वाटर से कैसे होते हैं, अभी मैंने समझाया ही था कि जब आप बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हो, घर में भी अगर आप फूड को कवर नहीं करते हो तो उस पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फ्लाइज आ जाती है, मस्क्यूटोस आ जाते हैं, तो वो सारे इन्फेक्टेड होते हैं ना, और आपने उसने सारा खाना इन्फेक्ट कर दिया उस पर बैठ के, और वही खाना आपने खा लिया, तो उससे आपको कौन कौन से डिजीज हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, स्टमक एक, और बहुत सारी फूड पॉइजनिंग. कुछ बच्चों को तो हमेशा स्टमक एक रहता है, उनके घर में या तो कंटामिनेटेड वाटर होगा, कंटामिनेटेड मतलब खराब गंदा वाला पानी, या फिर कंटामिनेटेड फूड खाते होंगे, स्ट्रीट वाला जो बाहर का खाना होता है, जिसके लिए मम्मी हमेशा मना. नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अच्छा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन सी डिजीज स्प्रेड हो सकती है, अगर किसी पर्सन को कुछ इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जैसे कि स्किन में रैशेज हैं, आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे हमेशा इचिंग करते रहते हैं, रैशेज होते हैं, तो अगर आप उस बच्चे के कॉन्टैक्ट में रहोगे, स्टूडेंट के पास रहोगे, उसके स्किन को टच करोगे, तो सेम आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, और उस वाले डिजीज को क्या बोलते हैं, रिंगवर्म, और कोल्ड भी होता है उससे. ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू इंसेक्ट. अच्छा, इंसेक्ट की बाइट से कौन से वाले, नॉर्मल है यार, मॉस्किटो की बाइट से हमेशा आपको मलेरिया एंड डेंगू हो जाता है. क्या करता है मलेरिया डेंगू, आपको जो आपका मस्कीटो है वो आपके ब्लड को सक करता है, और उसका जो माउथ होता है वो इतना डर्टी होता है, उसमें इतने सारे जर्म्स होते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं, आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको हो जाता है मलेरिया एंड डेंगू. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेड फोर वेज में कैसे कैसे होता है. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो, राइट डाउन द नोट्स, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. एंड इफ यू डू इट, जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है,